हाय, मैं मुरलीधर बरेज, सद्भावना पब्लिक स्कूल के डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम हिंदी वाचन पुस्तक क्लास फोर्थ का पढ़ेंगे, पार्ट एक, जिसका शीर्षक है वंदना है आपकी, जो कि संकलित है यहाँ पर माता सरस्वती। यह जो वंदना है ये माँ सरस्वती जी की है। तो कविता को हम सबसे पहले लय के साथ पढ़ेंगे। मैं जिस लय के साथ पढ़ूंगा उसी लय के साथ आप भी बार बार घर में प्रैक्टिस कीजिए, प्रयास कीजिए। शुरू करते हैं। सौ सौ वंदन माँ सरस्वती, वंदना है आपकी, हम पाएं सब ज्ञान को ओ कृपा जब आपकी, हेतु से वंदन हमारा वंदना है आपकी, वंदना है आपकी, ज्ञान से धर्मार्थ तक आगे बढ़े सब प्रगति की, आचार शिक्षण को सुधारें भक्ति हो सदमार्ग की, दुखों के विपरीत क्षण में शक्ति हो बस आपकी, वंदना है आपकी, हम चलें कर्तव्य पथ पर धर्म का अनुसरण कर, माता पिता गुरु को न भूलें कृपा हो सब आपकी, इन पथों के कार्य में आए कमी न तेज की, वंदना है आपकी, वंदना है आपकी। हाय, मैं मुरलीधर परेट, सद्भावना पब्लिक स्कूल बड़े भंडार की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी वाचन पुस्तक क्लास फोर्थ के हिंदी वाचन पुस्तक पढ़ेंगे। हिंदी वाचन पुस्तक के पार्ट एक में है वंदना है आपकी, जो कि माँ सरस्वती जी की वंदना है। यह जो है संकलित है। तो मैं जिस लय में इस कविता को मैं गाऊंगा उसी लय में आप घर में बार बार प्रैक्टिस कीजिए, गाने का प्रयास कीजिए। सौ सौ वंदन माँ सरस्वती, वंदना है आपकी, हम पाए सब ज्ञान को हो कृपा जब आपकी, हेतु से वंदन हमारा वंदना है आपकी, वंदना है आपकी, ज्ञान से धर्मार्थ तक आगे बढ़े सब प्रगति की, आचार शिक्षण को सुधारे भक्ति हो सदमार्ग की, दुखों के विपरीत क्षण में शक्ति हो बस आपकी, वंदना है आपकी, हम चले कर्तव्य पथ पर धर्म का अनुसरण कर, माता पिता गुरु को न भूलें कृपा हो सब आपकी, इन पथों के कार्य में आए कमी न तेज की, वंदना है आपकी, वंदना है आपकी। मैंने जिस लय में गाया उसी लय में आपको गाना है। चलिए, अब इस कविता को जिस लय में मैंने गाया है उसी लय में आप बार बार प्रयास कीजिएगा। अब इस कविता में आगे बढ़ते हैं, इसको आप थोड़ा समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ दिया हुआ है सौ सौ वंदन माँ सरस्वती। यह जो कविता है माँ सरस्वती जी के लिए है। माँ सरस्वती जी की बहुत ही प्यारी वंदना इसमें दी हुई है। तो सबसे पहले सौ सौ वंदन माँ सरस्वती। माँ सरस्वती जी की अधिकतर आप लोगों को पता है, कुछ भी हम लोग कार्य करते हैं तो हमारे भारत देश में क्या होता है कि सरस्वती जी की वंदना की जाती है। तो ये जो आपका पाठ्य पुस्तक है उसमें सबसे फर्स्ट में ही माँ सरस्वती जी की वंदना दी गई है। तो सौ सौ वंदन माँ सरस्वती, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो एक लड़की है प्रार्थना कर रही है, प्रार्थना कर रही है यहाँ पे। तो आपको पता ही होगा, जैसे इसमें लिखा है सौ सौ वंदन माँ सरस्वती, ये लड़की जो है माँ सरस्वती जी से वंदना कर रही है, कह रही है कि मैं आपकी बार बार वंदना करूंगी,
वंदना है आपकी, यह जो वंदना मैं कर रही हूँ वो वंदना जो है आपकी ही है। हम पाए सब ज्ञान को वो कृपा जब आपकी, अगर आपकी कृपा हम पर बने रहेगी तो हम जितने भी इस संसार में जितने भी ज्ञान है वो सब हमें प्राप्त होगा, और जितने भी अज्ञानता है हमें जितने भी अज्ञानता है वो सब हमसे दूर होंगे। हेतु से वंदन हमारा, वंदना है आपकी, वंदना है आपकी। यही लेकर मैं, यही उद्देश्य लेकर मैं आपकी विनती कर वंदना कर रही हूँ, ताकि आप मुझे ज्ञान दें और जितने भी मेरे बुराई हैं उसको मुझसे अलग करें, दूर करें। ज्ञान से धर्मार्थ तक आगे बढ़ें सब प्रगति की। ज्ञान से धर्मार्थ तक, ज्ञान से मेरे अंदर जो भी ज्ञान है वो ज्ञान प्रकाशित हो, और ज्ञान से धर्मार्थ तक, धर्मार्थ मतलब ज्ञान से लेकर के धर्म तक मैं आगे बढ़ूं और मैं प्रगति के राह पर चलूं। आचार शिक्षण को सुधारें, भक्ति हो सद्मार्ग की। आचार मेरे अंदर जो भी आचार है, व्यवहार है, उसमें सुधार आए, आपकी कृपा मुझ पर ऐसी बनी रहे कि मेरे जो भी दुर्गुण है वो दूर हो और मुझ में अच्छाइयों का विकास हो। भक्ति हो सद्मार्ग की, और मैं अच्छे मार्ग की भक्ति करूं। दुखों के विपरीत क्षण में शक्ति हो बस आपकी, वंदना है आपकी। दुखों के विपरीत क्षण में, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, उस हर एक क्षण में बस आप मुझ पर अपनी कृपा यूं ही बनाए रखें, वंदना है आपकी। ऐसी मैं वंदना करती हूं कि आप हमेशा मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हम चले कर्तव्य पथ पर, धर्म का अनुसरण कर। मैं ऐसे राह पर चलूं जो सच्चाई के राह हो। कर्तव्य पथ पर मैं यूं ही आगे बढ़ती रहूं और धर्म का अनुसरण करके मैं आगे बढ़ती रहूं। माता पिता गुरु को ना भूलें, कृपा हो सब आपकी। मेरे जो माता पिता हैं, मेरे जो गुरु हैं, आपके आशीर्वाद से आप मुझ पर इस प्रकार कृपा बनाएं, इस प्रकार आशीर्वाद बनाएं कि मैं अपने माता पिता और गुरु को आगे बढ़ने के बाद भी ना भूलूं। इन पथों के कार्य में आए कमी ना तेज की, और मैं जो भी कार्य करूं, जिस रास्ते में चलूं, उस रास्ते में मुझे आलस ना आए, मेरे कार्य में कोई कमी ना आए। मैं यूं ही उत्साह के साथ अपना हर एक कार्य करती जाऊं, ऐसे मैं आपसे वंदना करती हूं, इस प्रकार से आपसे प्रार्थना करती हूं। अब इस पाठ के बाद आप जैसे ही पेज को पलटेंगे तो यहां आपको प्रश्न, कुछ प्रश्न दिखेंगे, तो इसमें जो है ऊपर मौखिक, सबसे पहले मौखिक प्रश्न आएगा जिसमें दिया हुआ है कविता को उचित भाव लय एवं अभिनय के साथ प्रस्तुत कीजिए। जो कविता है उसको भाव के साथ, लय के साथ, अभिनय के साथ प्रस्तुत करना है। सेकंड है निम्न शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ पे जो नीचे में जो आपको शब्द दिया गया है उससे आपको वाक्य बनाना है, जैसे कि सरस्वती है, सेकंड है शक्ति, तीसरा है माता पिता। जैसे सरस्वती है तो सरस्वती, हम माँ सरस्वती की वंदना करते हैं, इस प्रकार से आपको वाक्य बनाना है। आपको यहाँ पे फिर उसके नीचे में मिलेगा आपको लिखित, इसमें दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन कविता में किसकी वंदना की गई है, सेकंड में दिया है हमें किसे नहीं भूलना चाहिए, थर्ड में दिया है हमें किस पथ पर चलना चाहिए, फोर्थ में दिया है सरस्वती किसकी देवी है। ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको उसी कविता के माध्यम से आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।